नमस्कार, मैं हूं रविशंकर पाल। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाद का न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर, आइए डालते इन खास खबरों पर नजर। उन्नाव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, महिला और दो बच्चियों की हत्या, गला दबकर तीनों की हत्या की गई। गांव से बाहर तालाब के पास मिले शव। औरास के पूरनखेड़ा गांव की घटना। उन्नाव के औरास से बड़ी खबर, महिला सहित उसकी 8 साल और 4 साल की बच्ची की हत्या। पूरनखेड़ा मजरा हिम्मत खेड़ा का मामला। पति के फरार होने की सूचना। कप्तान सीओ फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्नाव में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। मां और दो बेटियों की गला घोटकर की गई हत्या। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र का मामला। रिपोर्ट रविशंकर पाल, ब्यूरो चीफ उन्नाव। जनपद उन्नाव का थाना औरास का गांव पूरनखेड़ा है। यहां सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 35 साल है और दो बच्चियां जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 8 वर्ष है, उनका शव यहां पर एक सूखे तालाब के बगल में पड़ा हुआ है। और प्रथम दृष्टया ये तीनों का जो हत्या की गई है, ऐसा लग रहा है कि गला दबाकर किसी कपड़े से घूट कर इनकी हत्या की गई है। और ये सामने आ रहा है कि ये महिला का और अपने पति के इनके पति के साथ इनके संबंध ठीक नहीं थे। बराबर इनमें झगड़े होते थे और मारपीट की शिकायत भी मिलती रहती थी। और कल और परसों भी बताया जा रहा है कि इनके बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी। और इस सिलसिले में इनके पति को और इनके देवर को पुलिस की कस्टडी में लेकर आवश्यक पूछताछ की जा रही है और शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है।